हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संत महापुरुषों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। गहलोत नव वर्ष 2022 के कैलेंडर का किया विमोचन। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र गहलोत के बेंगलुरु आगमन पर माली समाज परिसर बेंगलुरु पूर्व के तत्वावधान में समाज भवन प्रांगण में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद गहलोत ने कहा कि संत महापुरुषों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। हमें अपने जीवन में संतों द्वारा कही गई वाणी को ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज हमारे लिए आराध्य और प्रेरणा स्रोत हैं, अतः उनके बताए मार्ग पर हमें अनुसरण करना चाहिए। सांसद गहलोत का अभिनंदन माली समाज वर्तुर के अध्यक्ष पूसा राम, पूर्व अध्यक्ष हापूराम चौहान, टिकमा राम परमार, सज्जन राम सांकड़ा ने किया। पूर्व न्यासी जगदीश कांडेला का अभिनंदन प्रकाश खच्चावा, कानाराम दगड़ी, ओगड़ाराम चौहान ने किया। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान बर के अध्यक्ष डगलाराम बागड़ी का अभिनंदन प्रभुलाल सांकला, दिनेश चौहान, मीठा लाल ने किया। अमरपुरा धाम नागौर के सचिव राधा किशन तनवर का अभिनंदन गिरीश कुमार, मुकेश सोलंकी ने किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव हरीश सोलंकी बालोतरा का अभिनंदन बाबूलाल सांकला मैसूर, बाबूलाल मावर ने किया। इस अवसर पर माली समाज वर्तुर के नव वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत एवं अतिथियों के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उदयराम परमार, वर्दी चंद देवड़ा, चौथाराम संदेशा, भरत कुमार पड़ियार, गोपाल सोलंकी एवं अन्य विशिष्ट बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रुपेश सोलंकी कलापुरा ने किया। जागरूक टीवी के जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।